गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन शेप्स वगैरह निकालने के लिए ट्रिक्स बताई थी। अब उनको दूसरे मेथड से निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कैसे आपको है, तो उसमें इसमें वन बाय वन आपको 5 या 7 एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे पहला है BeCl2, इसकी शेप बतानी है। शॉर्टकट मेथड से बता सकते हो, बट थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हो तो लॉन्ग जो मेथड है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप यूज करोगे सेंट्रल मेटल, क्या है इसमें जो आगे होता है वो सेंट्रल मेटल। इसका एटॉमिक नंबर 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। सबसे पहले स्टेप में ये तीन वर्ड यूज करोगे। सेंट्रल मेटल होगा, सभी में होगा, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्बिटल्स को फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। जैसे एक एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो 1s2 लिख दिया और ये लिख लिया मैंने 2s2। तो याद रखना जो लास्ट हो वो ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करता है। मैंने लास्ट टाइम उस लेक्चर में बताया भी था, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी एक प्रकार से ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो सेम एनर्जी का बताता हूँ, देखो 1 किसी के साथ नहीं करता, 2s और इससे आगे 2p कर सकता है, 3s 3p 3d कर सकता है, 4s 4b 4d 4f कर सकता है, 5s 5p 5d 5f। मतलब कहने का मतलब जिनकी एनर्जी इसकी इसकी एनर्जी सेम है ये इंटरमिक्स कर सकते हैं, ये तीनों की एनर्जी सेम है ये कर सकते हैं, सिमिलरली ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। हमारा मतलब एस और पी से है, 5 या इनकी एन से मतलब नहीं है। अब दूसरा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है। क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस, सेम के ही होंगे। तो अब आपका ये 1s है 2s है, तो जो इंटरमिक्सिंग है वो करनी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो नियरली वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, मतलब इंटरमिक्स कर सकता है ऑर्बिटल की। तो ये 1s और 2s नहीं कर सकता। तो अब हम क्या है कि वैकेंट कोई ऑर्बिटल होता है, जैसे ये है 2p, एनर्जी सेम है तो हम वैकेंट को रख लेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो इसको आप एक इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्रॉस लगा दो, यहाँ पर कौन आ जाएगा जो इसके साथ है Cl, ये Cl, इसको इंटरमिक्स में दिखा दो आप। मतलब एक s हो गया एक p हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्या हो गई, sp। सिर्फ आज मैं इस तरह से इंटरमिक्स करने बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपको ऐसे देखना है कि आपको सेंट्रल एटम ये है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, कॉन्फिगरेशन ये है, इसके साथ जो मोनोवेलेंट एटम या डाइवेलेंट जुड़ा हुआ है वो कितना है, 2 है। तो हमें 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड चाहिए, इसलिए इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये शिफ्ट भी आसानी से हो सकते हैं क्योंकि इनका n सेम है, n सेम है तो इनकी एनर्जी सेम है, तो ये आसानी से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे ये एक शिफ्ट हो जाता है, 2 हाफ फील्ड आपके बच जाते हैं, जो हाफ फील्ड होते हैं उसमें आपका कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। फिर जो ऑर्बिटल आपके ये जुड़े हैं उन ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर दो। वो कैसे देखना है, ये देखो, ये एक ऐसा ऑर्बिटल था 1s, ये एक p था तो 1p, तो 1s और 1p मिलने से क्या बन जाता है आपका, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो एंगल आपको पता था पहले ही 180 एंगल, और शेप आपको पता था लीनियर शेप। ये लॉन्ग मेथड से निकालना बता रहा हूँ आज आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, सभी एग्जाम्पल जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल एग्जाम्पल मैं वो बता रहा हूँ, सभी हाइब्रिडाइजेशन का एक एक तो बता ही दूंगा। आप पेपर में आ जाता है मान लो sp, तो डेफिनेशन ये दोगे, बनाना सीखो, व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स्ड टुगेदर, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp। अगर sp2 के बारे में कोई पूछे, एक ऐसा ऑर्बिटल और 1 की बजाय कितने हो जाएंगे, 2p ऑर्बिटल, इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, इंटरमिक्स होते हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp2 कहलाएगी। सिमिलरली sp3 इसी तरह से चलेगा।
तो अभी sp2 का एग्जांपल देता हूं मैं। तो sp2 के अंदर आपका है, मान लो मैं ले रहा हूं bf3 मॉलिक्यूल। तो आपको थोड़ा सा वही स्टेप्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लो। सेंट्रल एटम कौन? बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना? 5। कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। कौन से लेने हैं जिनकी एनर्जी सेम है? ये दो ले लिए मैंने, तो मैंने ये 2s2 ले लिया और 2p में कितने हैं? 1 ले लिया है, 2s2 और 2p1। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास ये इसके पास मोनोवेलेंट कितने हैं? 3। ऑर्बिटल वैकेंट कितना? 1। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एनर्जी सेम है, ये इधर चला गया 1 2 3। यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आपका आ जाएगा F। तो आप ऐसे करके F दिखा दोगे, ये यहाँ पर आ जाएगा F, ठीक है। इंटरमिक्स कौन होगा? यहाँ से ये 1s 2p, तो 1s+2p = sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कुछ भी नहीं है। स्टेप्स जो बच्चा समझ गया वो कभी भी मात नहीं खाएगा। सेंट्रल एटम चूज कर लो, जो आगे होता है उसका एटॉमिक नंबर लिख लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उनमें से वही ऑर्बिटल्स को लिखना है जिनकी एनर्जी सेम है। लिखने को इसको लिखो रखो, बट ये तो रखा रहेगा क्योंकि ये इंटरमिक्स तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका N1 है, इसका 2 है, एनर्जी में डिफरेंस है, तो ये कभी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे नहीं। फिर एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, CH4। तो इसका सेंट्रल एटम क्या? इसका सेंट्रल एटम है कार्बन। एटॉमिक नंबर क्या कार्बन का? 6। कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कौन करेगा? लास्ट सेल वाले जो सेम होते हैं वो सब रख लो। ऑर्बिटल बेशक डिफरेंट हो बट एन सेम होना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया है 2s2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2p2, ये तो आपका 2p2 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास होते हैं ऑर्बिटल्स, वो 4 वैकेंट चाहिए, 2 वैकेंट है। तो क्या करूंगा मैं, इसको एक उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। ये शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या भर फिलअप हो सकता है? ये एच, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो करने होते हैं, तो यहाँ पर सब जगह पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। वन एस प्लस 3p क्या बन जाएगा? sp3। ये हाइब्रिडाइज से निकालने बताइए, एंगल शेप उनमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेप्स हो ना उन स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले दिमाग में आ जानी चाहिए हर बात, सबसे पहले सेंट्रल एटम, जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम क्या होगा? जूस एटम के अंदर जिसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हो वो सेंट्रल एटम होगा। लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर वो आपको पता होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको वो ऑर्बिटल सी लेने हैं जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और लास्ट इलेक्ट्रॉन सी किसी भी रिएक्शन वगैरह के अंदर टेक पार्ट करते हैं। तो लास्ट में क्या होगा? 2 और 3। अगर हम इसकी वो कॉन्फ़िगरेशन करें नोबल गैस, तो ये रहेगी 3। तो लास्ट में 2 और 1 3, ये 3 इकट्ठे क्यों लिखे? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, ऑर्बिटल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लिख लिए हमने 2 इसमें 1 इसमें। इसके बाद लिखने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, ये देखोगे कि इसके पास मोनोवेलेंट कितने अटैच है? 3 अटैच हैं, तो 3 खाली होने चाहिए, 3 बिल्कुल वैकेंट नहीं, हाफ पे होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर फ्लोरीन का रहेगा, वो इंटरमिक्स कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक इधर ले आया मैं इसको, तो ये 1 2 3 हो गए, तो ये 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए। तो 1s था इसमें, 2p थे, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने sp2। सिमिलरली इसमें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन रही है आपकी 2s2 2p2, 2 रख लिए। हमें कितने वैकेंट चाहिए? 4 हाफ फील्ड चाहिए। तो इसको मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर लिया। कोई पूछे क्यों कर सकते हैं सर? क्योंकि 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो है वो जैसे कि न्यूक्लियस है, 2s इसमें ही है, टू डी नहीं हो सकता, s और p हो सकते हैं। तो दूसरे सेल के अंदर s और p ऑर्बिटल हो सकते हैं जिनकी एनर्जी तो वही है, इसलिए इसके हम इंटरमिक्स कर सकते हैं इनको, ठीक है। 4 हो गए, तो 4 जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे।
इस इंटरमिक्सिंग को ही क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का। अब आया आपका PCl5, मैं ये लेके चल रहा हूँ। स्टेप्स बताई थी, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी। ठीक है, 6 2 8 10 2 3 15। अब हमें कौन से लेने हैं, लास्ट लास्ट है, सबसे ज़्यादा एन जिसका हो, तीन, तीन वाले कौन कौन है, एस और पी दोनों को रख लो, 3s2 3s2। अब ये 3p3 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3p3 लिख दिया। अब 3p3 आपने लिख दिया तो अब हमें इसके साथ वैकेंट कितने चाहिए, 5 है, कितने, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3d ऑर्बिटल्स को लिख लेंगे, जो आगे आने वाला है वैकेंट है, हम इन इलेक्ट्रॉन को उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्यों, क्योंकि एनर्जी सेम है। तो क्या करता हूँ मैं, इसी एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों मैंने इसमें रख दिए। अब यहाँ पर ये है कौन, ये Cl है भाई, कौन है ये, Cl है। ठीक है, ये अरे क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है, 2 8 5, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक क्लोरीन को मिल जाए तो इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, इसके 6 हो गए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से शेयर कर लेता है, इसके 6 हो जाते हैं, इसका भी डबल हो जाता है, इस तरह से ये ऑर्बिटल फिलिंग होती है। अब ये ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, अब आपके ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। एंगल शेप जो मैंने शॉर्ट मेथड से बताई थी उसमें जो याद किया वही लिख देना है आपने। ठीक है, ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम यूज करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो हो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आप उनके लास्ट ऑर्बिटल्स को फिलअप करने के लिए रखोगे, जैसे ही रखोगे तो आपको, जैसे रखने के बाद आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 3 है, ये पेयर्ड है, हमें ये देखना है कि इनमें कितने हैं, 5, हमें कितने अनपेड चाहिए, 5 है, कितने हमारे पास, 3, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन होता है हम इसको शिफ्ट कर लें। शिफ्ट कहाँ कर सकते हैं, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, तो 3s 3p 3d, नेक्स्ट आगे कहीं 3d आएगा जो 0 है, जिनकी एनर्जी इनके समान है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब हमारे पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन को मैं शिफ्ट करता हूँ, इसकी अनपेयरिंग होती है 1 3 4 1 5, अनपेड हो गए, 5 अनपेड हो गए, तो हमारे पास sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर बन गई। सिंपल सा वही एक हमारा ट्रेंड है, उसी ट्रेंड के अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक और एग्जांपल लेके SF6 का। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, S, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, लास्ट के दो हम यूज कर सकते हैं, इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी, इसमें 1 सेल, इसमें 2 3 सेल, तो हायर एनर्जी सेल, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनको मैं रख रहा हूँ 3s2 के अंदर, ये 3s2, इसको रख रहा हूँ मैं 3p4 के अंदर, ये 3p4। ठीक है, अब मैं 3d को वैकेंट कर लेता हूँ, ये वे मैं कब लेके चलता हूँ, ये मैं जब लेकर चलता हूँ जब हमारे पास इसके साथ एटम है कितने, 6, ऑर्बिटल कितने अनपेड चाहिए, 6 है, कितने हमारे पास, 2, तो इनको करेंगे तो इनको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट इसलिए कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ये यहाँ ले गए। फिर अगले स्टेप में इसको कर दो, अब क्योंकि एक करने से 4 वे हमें तो चाहिए ना, 6, इसलिए इसको 1 2 3 और नेक्स्ट हम 1 2,
अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैकेंट हो गए। तो ये 6 वैकेंट हो गए, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये आपके पास हो गया है एफ 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 एफ, ये एफ और ये भी। तो इस तरह से ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। एक एस है, 3 पी है, 2 डी है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d2। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, बताया था आपको, शेप वगैरह आपको वैसे ही बढ़ानी है और एंगल वही एंगल रहेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3d2x निकालने के बताया था, वो एक शॉर्ट मेथड था, ये आपके पेपर में अगर पूछ लेता है तो लॉन्ग मेथड है, उनसे मैं बता रहा हूँ। इनमें क्या स्टेप यूज की, सेम सेंट्रल एटम यूज किया, कॉन्फिग्रेशन, और उसके बाद में आपको ऑर्बिटल देखे, 2 वैकेंट अनपेड थे, चाहिए 6, इसको शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट उनको ही कर सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम है, यानी एन सेम होना चाहिए, 3d इन से आगे आएगा जिनकी एनर्जी सेम है बट ऑर्बिटल थर्ड है, सॉरी सेल थर्ड है, तो उसमें हमने शिफ्ट किया, 6 हो गए, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। अब मैं एक दो एग्जाम्पल और हैं वो ले लेता हूँ। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं IF7 का, इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं IF7 का। अब IF7 के अंदर क्या है, IF7 के अंदर ये है, तो सेंट्रल एटम कौन, आई, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 9, 17, 35, 53, तो 53 एटॉमिक नंबर हो गया है इसका। कॉन्फिग्रेशन क्या आएगी इसकी, नियरली हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रप्टोन, जीनोन, रेडोन, ले लो 2, 10, 18, 36, 54, तो 36 वाला ले लो, तो क्रप्टोन, और उसके बाद जो भी है आपका NH2NP5 में आएगा, 2 और 7 आएंगे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो 2 और ये इसमें 5, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट सेल, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के बाद ये फोर्थ वाले में आता है, तो फोर्थ वाले में आएगा तो 4s2, 4p5 है, तो इसको मैं 4s2 लिख देता हूँ, 4p5 लिख देता हूँ। इनको आप कैसे दिखाओगे, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, तो इसमें हमारे पास 5 आ गए, 5, या 5 हो गए, ठीक है, 4p5, 4d में वैकेंट कर लेता हूँ, ठीक है, 4d, इसमें एक है, चाहिए 7, तो क्या करता हूँ, शिफ्टिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने उधर ले लिया, ये ले लिया, फिर एक और को अगले में शिफ्ट कर लिया, लास्ट वाले में मैंने इसको भी शिफ्ट कर लिया, तो ऐसे शिफ्टिंग करने से हमारे पास वैकेंट हो गए हैं, देखो कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपके पास बन गया है 1s3p3d, तो क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप रहेगी, और आपके पास एंगल जो रहेगा 90 डिग्री और 72 डिग्री का रहेगा, एंगल में उनमें कुछ फर्क नहीं है, वही लिख देना भाई, एंगल ये हाइब्रिडाइजेशन, ये लॉन्ग मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालने बता रहा हूँ। अब कई में आता है लोन पेयर्स वगैरह आते थे, वो कैसे पता चलेंगे कि शेप से हमेशा ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ NH3 का। तो मेथड क्या है, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3, तो 2s2 में मैंने लिख लिया, टू पी थ्री में भी 1, 2, 3, 2p3। अब हमें कितने चाहिए, 3, हमारे पास कितने हैं, 3, तो हमें जरूरत होती है तब शिफ्ट करते हैं, यहां शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, यहाँ कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एच, ये इंटरमिक्स हो गए, 1s और 3p, हाइब्रिडाइजेशन कौन बन गया, sp3। अब आप देखो ये जो एच था वो इन तीनों के साथ आया है, तो ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर, कौन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग करता है, इसने किसी में भी टेक पार्ट नहीं किया, इसको क्या कह देंगे, लोन पेयर, क्या कह देंगे इसको, लोन पेयर।
विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। तो इसमें आपके पास एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है, तो AB3L1 टाइप की शेप बनेगी और SP3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो नाइट्रोजन जो होगा वो ये जैसे है, ये HHH पायरामिडल शेप हो गई, बट आपको ये इससे पहचान हो गई कि कितने बॉन्ड पेयर है, एक दो तीन, तो थ्री बॉन्ड पेयर और एक बच गया तो वन लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करे बॉन्ड पेयर नहीं करे उसको लोन पेयर कहेंगे। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं एग्जांपल, लोन पेयर वाले के देख लेता हूँ। H2O एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या H2O तो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, लास्ट के दो यूज करो 1s 2s2 2p4 में यूज किया 1 2 3 4। अब हमें ध्यान ये रखना है कितने हैं इसके पास, दो बॉन्ड पेयर है तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पर बन जाएंगे, यहाँ पर H और H, हाइब्रिडाइजेशन में ये पूरा शिफ्ट होगा sp3, बट बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर आपने देखे जितने शिफ्ट हुए दो, लोन पेयर कितने बच गए दो, AB2L2 ये आपकी सेप बन गई। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये H, ये H, ये क्या हो जाएगा वी शेप, क्या वी शेप। ये लोन पेयर के कारण शेप में चेंज आता है वो वेस्पर थ्योरी ने दिया। कल हाइब्रिडाइजेशन ये जैसे मैंने सीधे निकालने सिखाए हैं, कल आपका वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकली बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। यही जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ यही आपके एज ए थ्योरेटिकली चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं। लॉन्ग मेथड से हाइब्रिडाइजेशन करना मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट मेथड से मैंने आपको बता दिया था। अब कल इसका थ्योरेटिकल हो जाएगा तो वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जिसके ऊपर दो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।